हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, कैसे क्या करना है उसके बारे में बताने वाली हूँ। काफ़ी सारे अमेजिंग चीज़ें बताऊँगी जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। लेकिन आपको मेरे को कॉमेंट सेक्शन में पहले जाके बताना है कि आप लोगों को केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में गाइड कर सकती हूँ। तो कॉमेंट जरूर करिएगा कौन सा चैप्टर, और मेरे को वो तभी दिखेगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रहोगे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद कॉमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सबसे पहली चीज़ हम ये समझेंगे, अगर आप लोगों को केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं पता है बच्चों, अगर आपको अभी तक वो चीज़ नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर लेके आऊँगी। तब तक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको नहीं पता है। अगर पता है तो हम उस वीडियो को वेस्ट नहीं करेंगे, हम कुछ और टॉपिक से बात करेंगे, राइट। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टाइप कर देना, ठीक है। अब दूसरी चीज़, आपको पढ़ना कैसे, तो आपके तीन सेक्शंस होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, राइट। फिजिकल में आपके मोस्टली आपको न्यूमेरिकल्स, ठीक है, आप लोगों को थोड़ी बहुत थ्योरी होती है बेसिक, इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन वाली थ्योरी, और आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। इनऑर्गेनिक में आपको होली एक्सेप्शंस और बाकी सारा डेटा लर्न करना होता है, और ऑर्गेनिक में आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कौन सा नेम रिएक्शंस कौन से होते हैं, कौन सी क्या चीज़ होती है पहली चीज़ तो वो, प्लस आपको वो रिएक्शंस का मैकेनिज्म करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इन तीन सेक्शंस में होती है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म करो अच्छे से, वो काफ़ी ईजी होते हैं, उसके न्यूमेरिकल सारे अपने टेक्स्ट बुक से लगा लो, सारी थ्योरी पढ़ लो। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के साथ आपको डील करना है, ठीक है। फॉर्मूले की एक बुक बनानी है जिसमें सारे फॉर्मूले लिखोगे, छोटे मोटे जो पॉइंट्स होंगे वो लिखोगे, और जो सम्स बहुत ट्रिकी थे वो नोट डाउन करके रखोगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आप लोगों को इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, इनऑर्गेनिक काफ़ी लर्निंग का होता है। तो आप एक बार कोई चैप्टर लेते हो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है, उसके एक्सेप्शन वगैरह सब कुछ एक जगह नोट डाउन कर लो, याद करो, और फिर उसको डेली बेसिस पे आप लोग रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करते रहोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में मेंटेन रहेगी, ठीक है, आपको रिटेन रहेगा, भूलोगे नहीं जल्दी। तो लर्न करके उसको बार 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 रिवाइज़ करना है, ठीक है बच्चों। तो बोर्ड्स की टेंशन हम सभी को होती है, राइट। हम सबको बोर्ड्स में एक अच्छा स्कोर लाना होता है, एक अच्छा परसेंटेज लाना होता है, जिससे कि हमारी आगे काफ़ी हेल्प होती है हमारे बोर्ड्स की प्रिपरेशन की वजह से आगे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, राइट। तो आप लोग सभी पीडब्ल्यू सर को तो जानते हो गए, फिजिक्स वाला सर, अलग सर को आप लोग जानते हो गए, जिन्होंने आपके इतने टाइम से आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्प करते आ रहे हैं, और वो लोग आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे बैचेस लाए हैं जिससे कि आप लोगों की CBSE 10th, CBSE 9th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, आपका एक फाउंडेशन अच्छे से बिल्ड हो सके, जिससे कि आप अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो पीडब्ल्यू आप लोगों के लिए दो टाइप ऑफ बैचेस लाए, जो बच्चे अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं और जिनको लग रहा है कि उनका कोर्स अभी अच्छे से फिनिश नहीं हो रहा है, उनको एक फास्ट ट्रैक कोर्स चाहिए, राइट, उन लोगों के लिए उड़ान बैच चाहिए, उड़ान बूस्टर बैच। ये बैच में आप लोगों का बेसिकली क्या होने वाला है, आप लोगों का मिड जनवरी तक आपका कोर्स खत्म होने वाला है, ये 30th अक्टूबर से स्टार्ट होगा बैच, और इसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस करवाई जाएंगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, टॉप फैकल्टी आपको करवाएगी, नोट्स आप लोगों के अपलोड होंगे, डेली असाइनमेंट्स, होमवर्क, तो आपको जिस भी तरीके से हेल्प चाहिए होगी वो आपकी करवाई जाएगी यहाँ पर, राइट। तो ये आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ में आपको ये बैच मिलने वाला है, आपकी पूरी 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई होने वाली है, वो भी आपके ऑन टाइम, बिफोर टाइम, जिससे कि आप लोग फिर अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सको। तो ये आप लोगों का पहला बैच है। दूसरा बैच आप लोगों का है नीव फास्ट ट्रैक बैच, ये बैच उन बच्चों के लिए जो कि क्लास 9th में, ठीक है। ये बैच आप लोगों का 7th अगस्त से शुरू हो गया, बट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। इस बैच में आप लोगों को जो बच्चे 9th में हैं उन बच्चों के लिए है ये बैच, जिससे कि आप लोग भी अपने फाउंडेशन क्रिएट कर सको, एक अपने बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर सको, ठीक है बच्चों। ये बैच आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1500 में मिलने वाला है, राइट, और इसमें भी आपका सिलेबस काफ़ी जल्दी 6 मंथ्स के अंदर कवर करवा दिया जाएगा। तो आप लोगों को इसकी बुक्स भी मिलेंगी, स्पेशलाइज्ड बुक्स वगैरह, उन सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी जाएगी, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस लिंक पर क्लिक करना है, आपको रिस्पेक्टिव बैचेस खुल जाएंगे, और आप लोगों को मेरा कूपन कोड KS150 उसका नाम नहीं भूलना है, इससे आपको एडिशनल 150 डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोगों को बच्चों ये ज़रूर जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन चीज़ों का यूज़ लेना है, क्योंकि आप लोगों को इतने मिनिमम कॉस्ट में इतनी बेस्ट फैकल्टी कहीं नहीं, और ये फीचर सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यू आप लोगों के लिए लाए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना मत भूलिएगा, और मेरा कूपन कोड KAS150 जरूर यूज करिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले बेसिकली आपकी जो चीज़ें होती है कि कार्बन रिंग्स कैसे वर्क करती हैं, या फिर आपका ऑक्सीजन अंदर आता है तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, प्लस माइनस का साइन, वो सब जो आपका बेसिक GOC होती है, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप लोगों को वो होने के बाद आपको नेम रिएक्शंस वगैरह याद करनी है, ठीक है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस वगैरह, उनके मैकेनिज्म सीख के नेम रिएक्शंस याद करनी है, और उसके बाद आपको वो मैकेनिज्म के थ्रू जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उनको प्रैक्टिस करना है। तो ये आपके तीनों सेक्शंस का ऐसे डिवीजन था, एक एक सेक्शन पकड़ो, उसे कंप्लीट करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, फॉर्मूलेस याद करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, ठीक है बच्चों।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल हुई हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरीके से आप लोगों के लिए कॉन्टेंट आता जाएगा। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।